खबर झारखंड से है। बेरोजगारों को रोजगार देने की रूपरेखा तैयार। बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी देने की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। राज्य सरकार ने सभी विभागों से वैकेंसी की रिपोर्ट मांगी है, साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी अलग अलग एजेंसी से वैकेंसी की डिटेल मांगी है। शहरी बेरोजगार युवक युवतियों को 2 अक्टूबर से काम दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत 7 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। बिजली बिल भरने से लेकर पासपोर्ट बनाने तक अब डाकघर में होगा हर काम। कोरोना काल में लोगों की सुविधा के मद्देनजर भारतीय डाक ने 73 सेवाओं को शुरू करने का फैसला किया है। इन सेवाओं के तहत अब वो हर काम डाकघर में ही हो जाएगा, जिसके लिए दूसरे दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता था। बताया जा रहा है कि डाकघर में शुरू होने वाली इन सुविधाओं में बिजली बिल भुगतान, पासपोर्ट अप्लाई, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बीमा जैसे महत्वपूर्ण काम है। शिक्षक दिवस पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को दिया बड़ा तोहफा। अंतर जिला स्थानांतरण को आदेश निर्गत। शिक्षक दिवस के अवसर पर सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को तोहफा दिया है। उसके तहत अंतर जिला में पदस्थापित शिक्षक पति पत्नी अब एक ही जिले में पदस्थापित हो सकेंगे। वही शिक्षा मंत्री ने अनुदानित संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का लंबित वेतन भुगतान कराने का निर्देश भी विभागीय सचिव को दिया है। यह बातें उन्होंने शनिवार को भंडारदी स्थित अपने आवासीय कार्यालय में विभागीय कार्य निष्पादित करते हुए कही। 6 से फिर सक्रिय होगा मानसून। झारखंड में बारिश व वज्रपात का अलर्ट। पिछले 24-25 घंटों के दौरान झारखंड में मानसून कमजोर हो रहा है। राज्य के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबूंदी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा बारिश लातेहार में 2.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची का 23.1 डिग्री और सबसे ज्यादा अधिक तापमान जमशेदपुर का 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से राज्य में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने की संभावना है। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पलामू, गढ़वा और चतरा में बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आईएम झारखंड के पदाधिकारियों ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से आईएमए झारखंड के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से पदाधिकारियों ने कोरोना महामारी के दौरान संक्रमित निजी चिकित्सकों एवं पारा चिकित्सा कर्मियों को निर्धारित सरकारी मुआवजा उपलब्ध कराने एवं शहीद का दर्जा देने से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री को आईएमए के सचिव श्री शंभू प्रसाद सिंह ने बताया कि महामारी में चिकित्सक एवं पारा चिकित्सा कर्मी बीमार पड़ रहे हैं। कोरोना की लड़ाई हो या मोबाइल रिचार्ज, हर मर्ज की दवा है झारखंड के मास्टर साहब। भले ही इनकी नियुक्ति बच्चों को पढ़ाने के लिए हुई है, लेकिन समाज को जब भी जरूरत महसूस हुई है, मास्टर साहब संकट मोचक बनकर खड़े हो गए हैं। यूं कहें कि झारखंड के मास्टर साहब हर मर्ज की दवा है तो गलत नहीं होगा। मिसाल के तौर पर कोरोना के इस दौर को ही ले लीजिए। शुरुआत से ही चिकित्सक, नर्स और पुलिस कर्मियों के साथ साथ सरकारी शिक्षक भी कोरोना महामारी से जारी लड़ाई में फ्रंट पर खड़े दिख रहे हैं। केंद्र मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, रेलवे की सभी तीनों श्रेणियों की भर्ती प्रक्रिया 15 दिसंबर से किया जाएगा शुरू। कोरोना महामारी की वजह से एक तरफ जहां देश की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर हो गई है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगार भी काफी बढ़ रही है। देश के बेरोजगार युवाओं की चिंता को ध्यान में रखते हुए केंद्र मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा है कि रेलवे में विभिन्न पदों की सभी तीनों श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदन की जांच पूर्ण की जा चुकी है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। SBI समेत सिर्फ ये 4 बैंक रह जाएंगे सरकारी। इन बैंकों के निजीकरण की राह पर बढ़ेगी मोदी सरकार। बैंकिंग सेक्टर में सरकार जल्द ही निजीकरण की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकती है। नीति आयोग ने बैंकों के निजीकरण का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। आयोग ने केंद्र सरकार को 4 सरकारी बैंकों पर ही अपना नियंत्रण रखने का सुझाव दिया है। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक शामिल है। इसके अलावा आयोग ने 3 छोटे सरकारी बैंकों, पंजाब एंड सिंध बैंक,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक का प्राथमिकता के आधार पर निजीकरण करने की सलाह दी है। अन्य सरकारी बैंकों बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक का सरकार या तो 4 बचे हुए बैंकों में विलय करेगी या फिर उसमें हिस्सेदारी घटाएगी। अक्षय कुमार ने एक्शन गेम फौजी किया पेश, आय का 20% भारत के वीर ट्रस्ट को जाएगा। अभिनेता अक्षय कुमार ने शुक्रवार को ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन करते हुए गौरव से एक एक्शन गेम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स फौजी पेश कर रहा हूं। उन्होंने लिखा, खिलाड़ी हमारे सैनिकों के बलिदान के बारे में भी जानेंगे और इसके शुद्ध आय का 20% भारत के वीर ट्रस्ट में जाएगा। मोदी सरकार ने आपदा को अवसर में बदला, अर्थव्यवस्था का भी ख्याल रखा जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा, कोविड-19 संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सही समय पर कड़े निर्णय लिए और आपदा को अवसर में बदलने के लिए अर्थव्यवस्था का ख्याल रखा। नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री ने जान है तो जहान है का नारा देकर स्पष्ट कर दिया है कि आम जनजीवन उनकी प्राथमिकता है। खबर है पीएम किसान योजना से, सातवीं किस्त पाने से पहले करें ये काम वरना अटक जाएंगे आपके 2000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। किसानों को यह किस्त 2000 रुपये के 3 किस्त में जरिए दी जाती है। अगस्त की शुरुआत में सरकार ने ये 6ठी किस्त जारी की थी। अब सरकार अगली किस्त यानी 7वीं किस्त जारी करने की तैयारी में है। किस्त जारी करने से पहले किसानों को कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर वे इन बातों पर नज़रअंदाज करते हैं तो हो सकता है उनकी किस्त अटक जाए। खबर है बिहार से, बिहार के युवाओं से तेजस्वी ने किया रोजगार का वादा, टोल फ्री नंबर किया जारी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को राज्य के बेरोजगारों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो मेगा ड्राइव चलाकर सभी बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने प्रदेश के बेरोजगारों के पंजीकरण के लिए बेरोजगारी हटाओ नाम से एक वेब पोर्टल और एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। जिला उद्योग केंद्र के द्वारा कौशल उन्नयन डिजाइन वर्कशॉप योजना के तहत दिया जाएगा प्रशिक्षण। ब्लॉक मेकिंग ट्रेड को बढ़ावा देने के जिला उद्योग केंद्र प्रशिक्षण शिविर लगाने जा रहा है। कौशल उन्नयन डिजाइन वर्कशॉप योजना के तहत प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षणों के ट्रेनिंग देंगे। जिला उद्योग केंद्र ने मास्टर ट्रेनर की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। ब्लॉक मेकिंग का कार्य किसी समय जिले का नाम रोशन करता था, लेकिन सरकारी मदद मिलने के चलते यह धीरे धीरे गर्त में चला गया। हालांकि शहर में अभी भी ब्लॉक मेकिंग का काम चल रहा है। ब्लॉक मेकिंग को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्योग केंद्र ने खाका तैयार कर लिया है। पीडीएस राशन कार्ड के अपात्र लाभुकों से वसूला जाएगा जुर्माना। जिले में पीडीएस का लाभ पाने वाले संपन्न परिवारों को राशन कार्ड को एक अभियान के तहत चिन्हित किया जाएगा और उन सभी राशन कार्ड को रद्द किया जाएगा। साथ ही गलत तरीके से राशन कार्ड का लाभ लेने वाले पात्र लाभुकों से जुर्माने की राशि की वसूला जाएगा। 417 ऐसे परिवारों को जिले भर में चिन्हित किया गया है जो खाद्य संपन्न थे और राशन कार्ड बनवा रखे थे। जल छाजन के लिए नाबाई ने दिए 21 करोड़। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने झारखंड में जल छाजन योजना के लिए 300 करोड़ रुपए दिए है। यह राशि राज्य सरकार को ऋण के रूप में दी गई है। यह राशि से पूरे राज्य में 29 यूनिट जल छाजन परियोजनाओं को क्रियान्वयन होगा। इससे गोड्डा जिला के पोड़ियाहाट विधानसभा क्षेत्र के 2 यूनिट की स्वीकृति प्रमाणित विभाग से मिल गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लक्ष्य के अनुरूप लाए तेजी। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मनरेगा के तहत संचालित योजना को प्रगति कार्य की समीक्षा की। उन्होंने वित्त वर्ष 16-17, 18-19, 19-20 की समीक्षा की। इसके बाद वित्तीय वर्ष 19-20 में विशेष फोकस करने के लिए कहा। कोरोना से संक्रमित हुआ नवजात तो रिम्स में ही छोड़ गए माँ बाप। कोरोना का भय क्या होता है इसकी वानगी रिम्स में देखने को मिली है। महज 14 दिन के एक दूध मुहे बच्चे को माँ बाप महज इसलिए अस्पताल में छोड़ गए कि वह बच्चा कोरोना से संक्रमित हो गया है, जबकि बच्चे की आंत फट गई है, उसकी स्थिति गंभीर है। पेडियाट्रिक सर्जरी वार्ड में भर्ती नवजात मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष कर रहा है। अब पेडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर और नर्स उसके
अभिभावक की भूमिका भी निभा रहे हैं और इलाज भी कर रहे हैं। हालांकि जिंदगी मिलेगी दोबारा फाउंडेशन के संस्थापक अश्विनी राजगढ़िया ने कहा है कि वह शनिवार को बच्चे की देखभाल के लिए अपने आदमी तैनात कर देंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को खत लिखकर मांगा जीएसटीसी बकाया। युवक ने कहा, रुकी हुई वैकेंसी क्लियर करवाइए सर जी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को ट्वीट करके बताया कि उन्होंने आज प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र के जरिए उन्होंने पीएम को बताया कि राज्य को जीएसटी के पैसे देने में केंद्र इतनी अड़चने डाल रहा है। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री को आभार जताया तो राज्य के किसी युवक ने रिप्लाई करते हुए मुख्यमंत्री से कहा, रुकी हुई सारी वैकेंसी क्लियर करवाइए सर जी। बगैर एटीएम कार्ड से भी निकाल सकेंगे रुपये। अगर आपको एटीएम से रुपये निकालने हैं और कार्ड घर में ही भूल गए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक के योनो ऐप में रकम भरिए और किसी भी एटीएम से निकाल लीजिए। एसबीआई ने ग्राहकों की सुविधा के लिए अपने सभी एटीएम पर योनो कैश की सुविधा शुरू की है। इससे एटीएम से होने वाली धोखाधड़ी भी नहीं होंगे, कार्ड खोने का भी डर नहीं रहेगा। इससे आने वाले दिनों में ग्राहकों को काफी सुविधा मिलेगी। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों पर नकेल कसी। कृषि एसएमई व पिछड़े वर्गों को कुल आवंटित कर्ज का देना होगा 75%। रेलवे 12 सितंबर से चलाएगा 80 नई ट्रेनें। 10 सितंबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। कोरोना काल में ट्रेनों की संख्या में कटौती के बाद अब व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर उतरने लगी है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि रेलवे 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस समय करीब 230 विशेष गाड़ियां का परिचालन किया जा रहा है। बिहार के मंत्री ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछा, सजा याफ्ता लालू को बंगला तो आदिवासियों को कैदी वार्ड क्यों? बिहार सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक बार फिर झारखंड के हेमंत सरकार पर सवाल खड़ा किया है। बिहार सरकार के मंत्री का कहना है कि लालू यादव कहते थे कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, आज वही लालू यादव झारखंड के सरकारी कोष के गबन के आरोपी और सजा याफ्ता है। मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि जो चारा तक घटक गया वो इरादतन अपराधी है, उसको झारखंड सरकार ने बंगला देकर ऐसो आराम में रखा है। लेकिन जिन आदिवासियों के नाम पर झारखंड बना था वो आज भी रिम्स के कैदी वार्ड में रह रहे हैं। यह हेमंत सोरेन सरकार का कैसा न्याय है? बिहार के मंत्री नीरज कुमार ने इस सवाल का जवाब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगा है। झारखंड के रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह समेत 6 शहरों में लगेंगे घने जंगल। धनबाद और जमशेदपुर शहरों के भीतर घने जंगल लगेंगे। बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग शहरों के भीतर भी ऐसा होगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के इन 6 शहरों में 7 वन विकसित करने की योजना तैयार की है। भारत सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा गया है। झारखंड में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 66.70% है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 48,039 के पार। केंद्रीय टीम तीनों जिलों रांची, धनबाद और जमशेदपुर में 10 दिनों तक रहकर कोविड सेंटरों के साथ साथ कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करेगी। साथ ही जिले में मरीजों की पहचान, उसके उपचार व आम लोगों के संक्रमण के बचाव को लेकर किए जा रहे उपायों की समीक्षा करेगी। 3 दिनों तक पति के शव के साथ रही महिला, बेटों ने भी किया छोड़ा साथ। राजधानी रांची में मानवता को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है। रांची में 2 बेटों के रहने के बावजूद बुजुर्ग भगवान शर्मा का शव करीब 3 दिनों तक उसके किराए के मकान पर ही पड़ा रहा और मृतक की पत्नी शव के 3 दिनों तक ताकती रही। नामकुन थाना क्षेत्र के लोअर चुटिया इलाके में एक संवेदना पर सवाल खड़ी करती एक बर्दात हुई है, जब बुजुर्ग व्यक्ति के शव के साथ उसकी मानसिक रूप से परेशान पत्नी करीब 3 दिनों तक साथ रही। लेकिन मौत का पता पड़ोसियों को उस वक्त चला जब बुजुर्ग के शव से दुर्गंध आने लगी। मकान मालिक बताते हैं कि बुजुर्ग रिटायर थे और अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में पिछले 5 वर्षों से रहते थे। 3 दिन की आर्थिक नाकेबंदी से रेलवे को 100 करोड़ का नुकसान। हेमंत सोरेन से मिलने सीएम आवास पहुंचे टाना भगत। झारखंड के लातेहार में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में संशोधन और जंगलों पर अपने अधिकार की मांगों के साथ 3 दिन तक टोरी जंक्शन पर रेल चक्का जाम करने के बाद विशेष आदिवासी समूह के लोग टाना भगत की आर्थिक नाकेबंदी समाप्त हो गई है।
तीन दिन में रेलवे को 100 करोड़ का नुकसान पहुंचाने के बाद इस रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन शुक्रवार देर रात से सामान्य हो गया। शनिवार को विधायक वैद्यनाथ राम के नेतृत्व में टाना भगत एक प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुँचा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।